हेलो गाइस, अगर आप एंड्रॉयड सेट यानी आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए और ज़रूर इसके बारे में पता होना चाहिए। यानी गूगल ने जो बड़ा अपडेट यानी हर एंड्रॉयड सेट में अपडेट लाने वाला है और अभी भी 39 एंड्रॉयड सेट में अपडेट ला चुका है, तो गूगल ने क्यों ऐसा किया और करने का इरादा क्या था आपको मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। यानी मैं हूँ राकेश और आप देख रहे मेरे चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान। यहाँ आप सभी को मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए बिना बात करे वीडियो को शुरू करते हैं। यानी वर्ल्ड का 80% इंसान यूज करता है एंड्रॉयड सिस्टम यानी एंड्रॉयड मोबाइल्स और एंड्रॉयड कंप्यूटर्स एंड एंड्रॉयड डिवाइस। तो इससे इसका जो यूजेस है ज़्यादातर बढ़ती चले, इसका कम नहीं हो रहा है, इसका यूजेस ज़्यादातर बढ़ती चली जा रही है। इसके चलते हुए बहुत सारा जो फेक आपका कंपनीज हैं, बहुत सारा जो हैकर्स है, इसमें आपका जो डाटा है वो एनालिसिस डाटा वो चोरी कर लेते हैं। आप सोचेंगे हाउ, हाँ जो दोस्तों चोरी करता है वो कैसे, यानी आपका डिवाइस जो है यानी आपका कंप्यूटर डिवाइस हो गया, आपका मोबाइल डिवाइस हो गया एंड्रॉयड, तो इसको अगर आप गूगल यूज़ करते हैं तो उससे, यानी आप किसी भी गूगल साइट में जिसे भी आप डाटा अपलोडिंग करता है, डाटा को आप अपडेट करते हैं, कोई भी गूगल सर्चिंग करते हैं, इससे जो हैकर्स है वो इजीली आपका कंप्यूटर या मोबाइल से इजीली चोरी कर सकता है। तो यानी आपका डिवाइस टच किए बिना एक मैलिशियस जो कोड होता है वो आपका डिवाइस में इंस्टॉलेशन कर दिया जाता है। यानी जो हैकर्स है वो इजीली आपको एक कोई भी पॉपअप विंडो साथ खोल कर आता है, आप उसको ओके करते हैं तो वो जो मैलिशियस कोड है वो आपको आपका जो एंड्रॉयड हैंडसेट है और आपका जो डिवाइसेस यानी कंप्यूटर वगैरह हो गया इसमें ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल कर देता है। इससे आपका जो एनालिसिस कोई भी वीडियो, आपका फोटोग्राफी, आपका जो कोई भी डाटा, आपका गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट कुछ भी सेक्टर्स में आपका जो डाटा होता है वो इजीली वो इंस्टॉलेशन कर लेता है, यानी आपको चोरी कर लेता है। इससे जो आपका सिर्फ इसका प्रॉब्लम एक ही है, जो गूगल का जो सिक्योरिटी सिस्टम है बहुत ही स्लो है, बहुत ही आपका सिस्टम ठीक ना होने के कारण वो हैकर्स क्या करता था, हैक कर लेता था। तो इसके लिए गूगल ने लाया अपडेट, तो और इसके लिए अपडेट कर चुका है, तो कैसे वो अपडेट हो चुका है वो मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। और गूगल ने जो अपडेट किया है वो क्या है, यानी गूगल आपका मोबाइल में जो अपडेट डालने वाला है और बहुत सारा आपका 39 जो कंपनी का हैंडसेट है उसमें डाल दिया गया है। यानी गूगल 2020 में पैच जो सिस्टम ये नया वर्जन अपडेट है उसमें अपडेट कर दिया गया है, और उस अपडेट के चलते हुए आपका जो मोबाइल है उस मोबाइल को एक सिक्योर एंड सिक्योरिटी के सिस्टम को हाई कर दिया गया है। यानी आप डिजिटल पेमेंट करेंगे और आप डिजिटल पे करेंगे तो आपका जो मोबाइल है बहुत ही सिक्योर हो और आपका पेमेंट जो है बहुत सिक्योर, यानी आपका जो हैंडसेट है वो आपका फुलफिल सिक्योर, यानी जैसे हम लॉकडाउन में फंसा हुआ है वो भी मोबाइल एक सिस्टम है, अगर आप लॉक नहीं खोलेंगे कुछ भी नहीं करेंगे तो आपका मोबाइल में कोई भी हैकर इजीली हैक नहीं कर पाएगा। तो इससे यानी आप सोचेंगे 39 कंपनी का तो हो गया मगर बाकी जो कंपनी है वो कैसे होगा और क्या, हाँ दोस्तों आप लोग टेंशन की कोई बात नहीं है, मगर हाँ जब तक आपका मोबाइल अभी भी अपडेट नहीं हो रहा है आपका ज़रूर टेंशन होगी, क्योंकि आपका जो मोबाइल है उसमें अभी भी बहुत सारा सिस्टम्स अपडेट नहीं आया है, और अगर नहीं आता है तो आपको ज़रूर जब भी आए आप अपडेट कर ले। जैसे कि आपका CSI के तहत यानी सेंटर फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी के सिस्टम जो है उसमें 39 कंपनी का अपडेट कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि बल्क पोस्ट सिस्टम का जो आपका ऐप्स का सिस्टम्स है आपका मोबाइल में बल्क पोस्ट जो आपका सिस्टम मिल जाता है उस सिस्टम्स को वो लोग अपडेट करने के लिए लगा हुआ है। यानी आप अगर सिक्योर है तो ही आप गूगल सिक्योर है, तो इसलिए गूगल आपका जो सिस्टम्स है वो अपडेट करने में जुटा हुआ है और आपको जल्दी वो अपडेट मिल जाएगा। इससे आपका मोबाइल जो है इजीली सिक्योर होगा और आप भी सिक्योर रहेंगे, यानी आप डिजिटल पेमेंट में भी सिक्योर रहेंगे। तो गूगल का तो होगा ये बात, अगर आपका मोबाइल में अभी तक नहीं आया है और आ गया है आपका अपडेट्स, तो प्लीज़ आपका जो एंड्रॉयड सेट है उसको ज़रूर अपडेट कर लीजिए और इस तरह का साइबर क्राइम से बचें। और आप भी
इजीली इसको अपडेट कर ले प्लीज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपका चाहे वो एंड्रॉयड सेट हो, चाहे आपका एंड्रॉयड मोबाइल हो, आपका चाहे एंड्रॉयड टीवी हो, आपका चाहे एंड्रॉयड कोई डिवाइस, कोई भी एंड्रॉयड डिवाइस हो, आप इजीली उसको अपडेट कर ले। और अगर आपके पास कोई कंप्यूटर्स वगैरह हो, यानी गूगल सिस्टम यूज़ करते हो उसमें इंटरनेट वगैरह, उसको ज़रूर अपडेट कर ले। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक करना, और वीडियो को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हाँ दोस्तों, मैं आपको नया अपडेट यानी देना चाहता हूँ, अगर आप ABPS का कोई भी आपका मर्चेंट होना चाहते हैं ई पे, जैसे कि आप बहुत सारा कंपनी यूज अगर आप करते हैं, जैसे कि होगा FreeNearby आपका, हो गया डीजी पे करते हैं CSC में, इसमें आपका बहुत सारा लिंक का प्रॉब्लम क्रिएट करना होता है, और सबसे बढ़िया बात आप इसमें मिनी स्टेटमेंट निकाल नहीं पाते हैं। तो अगर आपका इस सिस्टम्स को लाभ उठाना चाहते हैं और आपका ABPS सिस्टम्स को यूज़ करना चाहते हैं, बहुत ही कम कीमत में ओनली 500 रुपीज़ में आप इजीली एक मर्चेंट बन सकता है ABPS वीडियो का। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं जो स्क्रीन पर मोबाइल नंबर दिखा रहा है और डिस्क्रिप्शन पर मैं अपना मोबाइल नंबर दे चुका हूँ, उसमें आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। आप घर बैठे इजीली आप ABPS सिस्टम से ही मर्चेंट बन सकते हैं, और उसमें आप ज़्यादा अच्छा सा कमीशन भी ला सकते हैं। सबसे ज़्यादा बात, इसमें कोई लिंक का प्रॉब्लम नहीं है, और एक अच्छा बात है आपका यानी मिनी स्टेटमेंट इसमें निकल आती है। आप जैसे बहुत सारे कंपनी में आप मिनी स्टेटमेंट नहीं मिलेगा आपको, मगर इसमें आपको मिनी स्टेटमेंट जरूर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर वीडियो को अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक करना, और कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब तो जरूर करना, और बगल में जब आपको बेल आइकन है उसको जरूर अलाउ कर देना, क्योंकि मैं रोजाना आप लोगों के लिए इस तरह वीडियो डालते रहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।